हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और पाए हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त गुंजन वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान इन हिंदी में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यह एक ऐसा मौसम है जिसमें हमें अपनी हेल्थ और ब्यूटी दोनों की ही केयर करनी पड़ती है। इस सीज़न में हमारी स्किन का ड्राई होना एक आम बात है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी सर्दियों में हो जाते हैं अपनी ड्राई स्किन से परेशान, तो आज हम आपको घर पर ही एक ऐसा मॉइस्चराइज़र बनाना बताएंगे जो आपकी स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग और मॉइस्चराइज रखेगा। ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इस मॉइस्चराइज़र को बनाने के बारे में। इस मॉइस्चराइज़र को बनाने के लिए आप एक खाली बाउल लें। अब इसमें 4 टीस्पून ग्लिसरीन डालें, फिर इसमें 12 टीस्पून रोज़ वाटर डालना है। इसके बाद इसमें 6 से 8 विटामिन ई कैप्सूल का जेल ऐड करें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको किसी क्लीन कंटेनर में ट्रांसफ़र करके रख लें। अब आपका ये बॉडी मॉइस्चराइज़र बनकर तैयार है। दोस्तों, ग्लिसरीन हमारी स्किन में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉइस्चराइज़र की तरह वर्क करता है। यह ऑल टाइप की स्किन के लिए यूज़ किया जा सकता है। यह हमारी स्किन से एक्ने, पिंपल्स, रिंकल और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। ड्राई स्किन में ग्लिसरीन यूज़ करने से यह मॉइस्चर को लॉक करता है और ड्राइनेस को दूर करता है। इसके अलावा ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा क्लींजर भी है जो स्किन से डर्ट को क्लीन करता है। रोज़ वाटर हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। रोज़ वाटर हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाने में भी मदद करता है। विटामिन ई कैप्सूल कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और स्कार्स को स्किन से रिमूव करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस कारण हमारी स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम कम होती है और ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। दोस्तों, सर्दियों में आपको अपनी त्वचा की देखभाल और किस तरह से करनी है, आइए अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, नमी बनाए रखें। यदि आपको ड्राई स्किन से बचना है तो आप अपनी स्किन में नमी बनाए रखें और इसके लिए हमने आपको जो मॉइस्चराइज़र बताया है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें, यह आपकी त्वचा में नमी बनाए रखेगा। नंबर 2, काले घेरों से बचें। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए आप अच्छी क्रीम का यूज़ ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इससे आपको कभी भी काले घेरों की समस्या नहीं होगी। नंबर 3, फटी एड़ियों से बचें। इस मौसम में बिल्कुल भी नंगे पैर ना रहें, अपने पैरों को आप कवर करके रखें, जिससे आप फटी एड़ियों की समस्या से बच सकती हैं। नंबर 4, गर्म पानी से बचें। दोस्तों, सर्दियों से बचने के लिए हम गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, पर क्या आपको पता है कि गर्म पानी आपकी स्किन से सारी नमी को छीन लेता है और आपको दे देता है एक ड्राई स्किन। इसलिए आप गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें, हो सके तो आप बिल्कुल गुनगुने पानी का यूज़ कर सकती हैं। नंबर 5, स्वास्थ्य का रखें खास ख्याल। सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें सर्दी जुकाम होना एक नॉर्मल सी बात है, इसलिए आप अपनी सुंदरता का ख्याल रखने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।